मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, इफ फोर सर्कल ऑफ रेडियस आर ईच, बोल रहा है अगर चार सर्कल हैं, ये मैंने एक ये दो, ठीक है चार सर्कल हैं, और बोल रहा है सच दैट ईच टच इज द अदर टू, ये बाकी दो को टच कर रहा है, चाहे तो इसको या फिर इसको, किसी भी दो को, ठीक है, और चार सर्कल है, फोर सर्कल रेडियस आर ईच आर ड्रॉन सच दैट ईच टच इज द अदर टू, देन फाइंड द एरिया इंक्लूडिंग बिटवीन देम। तो बोल रहा है कि उनके बीच का जो एरिया आएगा, यानी ये वाला, फाइंड द एरिया इंक्लूडिंग बिटवीन देम, तो सर्कल का भी निकालना है और हमें इसका भी निकालना है। इसका कैसे निकालेंगे, हम देखो इस स्क्वायर का निकालेंगे और स्क्वायर में से चार क्वाड्रेंट का माइनस कर देंगे तो ये रह जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो हम इसको ऐड कर देंगे फिर सर्कल का निकाल के। तो देखो भाई एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो हम चार सर्कल्स का एरिया, रेडियस को हम क्या मान लेते हैं आर, ठीक है, तो ये टोटल पूरी कितनी हो जाएगी, यानी स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी, टू आर। तो देखो भाई बिल्कुल आसान है, एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमारे पास कितने सर्कल है, एक दो तीन चार, तो चारों का निकालना है हमें, ठीक है निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस रीजन का और निकालना है, तो इसके अंदर प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, पहले तो देखो हम स्क्वायर का निकालेंगे, स्क्वायर का क्या होगा, टू आर और इसका स्क्वायर साइड इन टू साइड, फिर माइनस कर देंगे चार क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट का क्या होता है, देखो एक क्वाड्रेंट का होता है पाई आर स्क्वायर बाई फोर, चार क्वाड्रेंट है तो चार से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो सर हमने क्या किया, स्क्वायर का निकाला और चार क्वाड्रेंट का माइनस कर दिया, चार क्वाड्रेंट का माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये रीजन आ जाएगा और ये वाला जो रीजन आएगा पूरा ये इसमें ऐड कर देंगे। तो देखो बिल्कुल सिंपल हो गया हमारा, फोर पाई आर स्क्वायर प्लस टू टू जो फोर आर स्क्वायर माइनस पाई और यहाँ पे क्या रह गया आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको खोल देते हैं एक बार हम, फोर पाई आर स्क्वायर प्लस फोर आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, फोर पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया तो कितना बच गया, थ्री पाई आर स्क्वायर प्लस फोर आर स्क्वायर, इसमें से हम क्या कॉमन ले ले सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, थ्री पाई प्लस फोर, ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आगे सोल्व करना है तो आगे सोल्व कर लो, बाहर क्या रह गया आर स्क्वायर और 3 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 प्लस 4, ठीक है, फिर आर स्क्वायर 66 अपॉन 7 प्लस 4, एलसीएम लेंगे तो आर स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 94 बाई 7, यहाँ पे 7 4 से 28 और इसको ऐड करेंगे तो 94 बाई 7, तो ये आ गया आपका एरिया इस रीजन के साथ, सर्कल्स का एरिया इस रीजन के साथ, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या संदेह है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा या आपको क्या डाउट है, ठीक है, और आप आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारा बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।